डॉक्टर सुनील सत्यार्थ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ ज्ञान। आज के वीडियो में हम जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है लिव अमृत सीरम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की बटन जरूर दबा दे ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। लीवर को हम यकृत और जिगर के नाम से भी जानते हैं। लीवर की बीमारियों का यदि समय पर इलाज न हो तो यह गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। अंतर्राष्ट्रीय लीवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर प्रशांत भांगी बताते हैं कि लीवर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। 70% मामलों में यह हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के वजह से होती है, लेकिन भारत में यह हेपेटाइटिस सी के वजह से ज्यादा होती है। ज्यादा शराब या सिगरेट पीने की वजह से या अत्यधिक समय तक पीने की वजह से भी लीवर खराब हो सकती है, या अत्यधिक चिकनी तली भुनी चीजें आदि के सेवन से भी लीवर खराब हो जाती है। बच्चों में यह बीमारी जीन और एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होती है। भारत में अधिकतर लोगों के खान पान या रहन सहन में गड़बड़ी की वजह से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगना, खून की कमी, पीलिया, ज्वाइंटिस, लीवर का बड़ा हो जाना आदि बीमारियां हो जाती है। लेकिन इन सभी बीमारियों की एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है लिव अमृत सीरम। लिव अमृत सीरम के प्रयोग से इन सभी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है और लीवर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लिव अमृत सीरम की 10-10 ml सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए और बच्चों को 5-5 ml सुबह शाम देना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।